डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जूता उता लगा रहे हैं, छुट्टी हो गई। आए थे 5 बजे हम लोग का वो था रनिंग, और बहुत लोग मतलब फेल हुए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी हम लोग फेल वाले नहीं। तुहार किसी कहाँ गया यार मुकेश? यहाँ गया था हम लोगों का फिजिकल, और इसी ग्राउंड में हुआ है, और मैं तो 11 राउंड में सिमट गया, बराबर राउंड नहीं मार पाया। 24 मिनट का वो होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और SSC GD का ख़त्म कहानी आज यहीं समाप्त हुआ। हर बच्चे यहाँ पर और क्वालिफाई, जो क्वालिफाई में आ रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ वो अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा फिजिकल था, और फिजिकल काफ़ी अच्छा था, हालांकि हुआ नहीं, मेरा जो है चयन हुआ नहीं, क्योंकि स्टेमिना जो था ना वो मेरा बूस्ट नहीं था। मैं फिजिकल की तैयारी उतना नहीं किया था, 10 दिन से कर रहा था, तो मैं उसको देखा तो मेरा पूरा भी नहीं हो रहा था, 4 किलोमीटर ही जा रहा था 24 मिनट में। फिर भी मैं कहा यार तो छोड़ना छोड़ी चाहिए, मौका मिला है तो उसका फिजिकल देने आना ही चाहिए। तो मेरा फिजिकल देखिए वहाँ पे था, SSC GD का। तो और मैं बस ये कहना चाहता हूँ बच्चों को, जो SSC GD की तैयारी करते हैं वो सिर्फ तैयारी ही मत करें, साथ साथ फिजिकल ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप फिजिकल की तैयारी साथ साथ नहीं करेंगे, मान लीजिए आप सिर्फ पढ़ रहे हैं पेपर निकाल लेंगे, पता चला फिजिकल आपका कमज़ोर है, आपका जो है स्टेमिना नहीं है, तो पढ़ना बेकार है। जैसे कि मैं देखिए अब मेरा पेपर निकालना ना निकालना कोई फ़र्क नहीं है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ मेरे सभी दोस्तों को जो SSC GD की तैयारी करते हैं, या फिर आर्मी का तैयारी करते हैं, मान लीजिए क्या जो करते ही हैं, तो उनको ज़रूर अपना फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए। और देखिए ये ग्राउंड इसका नाम है फर्टिलाइज़र एरिया, गोरखपुर का फर्टिलाइज़र एरिया, और हम लोग का SSB ग्राउंड यहाँ पे SSB लोग थे, वहाँ कराए थे मैंने, जो है बहुत ही नियम कानून से कराते हैं बात। भाई मज़ा आ गया, बस अफसोस की बात यही हुई कि चयन नहीं हुआ। 12 राउंड था, 400 मीटर का वो था पिच, और मैं 11वां राउंड पे मेरा जो है टाइम आउट हो गया, और उतना भी स्टेमिना नहीं था ना, तो बस यही था। और हम लोग जा रहे हैं घर, आ रहा मुकेश बाइक से, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।